हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रबड़ी बनाएंगे। यह रबड़ी खाने में इतना टेस्टी है कि पूछिए मत। अगर आप एक बार बनाएंगे तो इसी तरीके से रबड़ी बनाना पसंद करेंगे और इसको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। मिनटों में ही हमारे ढेर सारे रबड़ी बन के तैयार हो जाते हैं। 2 ग्लास में किलो भर के रबड़ी आराम से बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह हमारा टेस्टी यमी कम मेहनत वाला रबड़ी कैसे बनेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, इस रबड़ी को फटाफट बनाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके से टेस्टी इजी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रबड़ी बनाने के लिए कढ़ाई को हम रख दिए हैं गैस पर। कढ़ाई आप मोटे तले का लें तो अच्छा रहेगा, जिससे रबड़ी हमारा जलेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। बनाने से पहले इनको हम घी से चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर देंगे। इसके अंदर के सरफेस पर हम चारों तरफ हल्का सा घी ब्रश के सहायता से या हाथ के सहायता से लगा देते हैं। ऐसा करने से रबड़ी बिल्कुल पेंदी में नहीं चिपकता है। कभी भी आप दूध का चीज़ जैसे खोआ बनाएं, घी बनाएं, रबड़ी बनाएं या कोई मिठाई बनाएं तो ज़रूर इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही मस्त आराम से कढ़ाई में हमारा जो सामान बनाते हैं बन जाता है और जलता लगता भी नहीं है, और जो किनारों पर लग लग के सूखते हैं वह भी बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। तो चलिए, इसमें हम 2 ग्लास दूध डाल दिए हैं। यह हमारा 1/2 लीटर दूध है। दूध कच्चा है तो इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे और इसमें जो मलाई बनेगा उसको भी इसी में हम घुलने देंगे। तो अच्छे तरीके से चम्मच से चलाते रहेंगे, चलाते हुए बॉयल कर लेंगे। दूध कच्चा है तो इसलिए इनको हम धीमे आंच पर 5 मिनट बॉयल कर लेते हैं, जिससे यह कुछ गाढ़ा हो जाए। इनको हम बीच बीच में चला देंगे, जिससे इसमें जो ऊपर मलाई जमे वह भी इसी दूध में घुल मिल जाए। तो इसी तरीके से इनको हम बॉयल करेंगे। मीठा के लिए यह लिए हैं हम 1/2 कप चीनी। आप रबड़ी को हल्का मीठा में खाना पसंद करते हैं या ज़्यादा मीठा में, जिस हिसाब से पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी को डालें। तो चीनी तो हम 1/2 कप लिए हैं, लेकिन एक बार में नहीं डालेंगे। पहले हम 4 चम्मच चीनी डाल देते हैं और दूध में घुलने देते हैं। तो चला देते हैं और चलाकर बॉईल करते हैं, जिससे चीनी हमारा अच्छे तरीके से घुल जाए। हम जानते हैं कि जब चीनी घुलता है तो दूध को फिर से पतला कर देता है, तो इसीलिए इनको फिर से हम 5 मिनट और बॉयल करेंगे, जिससे यह और गाढ़ा हो जाए पहले की तरह। तो इधर दूध हमारे बॉयल होकर गाढ़ा भी हो गए हैं और कुछ मात्रा में कम भी हो गए हैं। अब चलिए, रबड़ी को कम दूध में ज़्यादा और गाढ़ा किस तरीके से बनाएंगे, उसको बनाने के लिए ये लिए हैं हम ब्रेड। 3 ब्रेड के स्लाइस हैं, ये बड़े साइज़ के ब्रेड हैं। तो 3 ब्रेड 2 ग्लास में काफ़ी अच्छे हो रहते हैं और आराम से रबड़ी हमारा थिक भी बन जाता है और टेस्ट में पता भी नहीं चलता कि इसमें हम डाले हैं ब्रेड। तो ब्रेड के जो किनारे ब्राउन भाग होते हैं उनको हम निकाल देंगे और वाइट वाले पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में करके मिक्सर जार में डाल देते हैं और ग्राइंड करके इसका हम बना लेंगे पाउडर। तो इस तरीके से हम डाल देते हैं जो किनारे के भाग होते हैं उसे, बहुत अच्छा स्नैक्स हमारा बन जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस तरीके से ग्राइंड करने के बाद यह एक दरदरा एक क्रम्बल हमारा ब्रेड बन जाता है। अब इधर दूध तो गाढ़ा हो गया है, आंच को कर देंगे धीमा और धीमा आंच पर हम क्रम्बल किए हुए ब्रेड को इसमें डालेंगे। क्रम्बल किए हुए ब्रेड को एक बार नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और दूध में मिक्स करते जाएंगे। और इस तरीके से फिर से डालेंगे और दूध में मिक्स कर देंगे। ऐसा डालने से यह होता है कि ब्रेड हमारा दूध में अच्छे तरीके से घुल मिल जाता है, एक ही जगह उसका गुटका थक्का नहीं बनता है। तो चलिए, सारे ब्रेड को हम इसमें डाल दिए हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करके इनको कुछ देर पका लेंगे। हम जानते हैं कि ब्रेड जैसे ही दूध में जाता है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो ये देखिए, कुछ ही देर में बहुत ही अच्छे से यह थिक हो गए हैं। अब इनको और टेस्टी बनाने के लिए और ज़्यादा मीठा बनाने के लिए जो चीनी बचा था उसको हम एक पैन में डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे तरीके से फैला देते हैं। इनको हमें करना है कैरेमलाइज। तो कैरेमलाइज करने के लिए इसमें हम 1 से 2 चम्मच पानी डाल देते हैं, जिससे ये जल्दी कैरेमलाइज हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ चीनी डालकर कैरेमलाइज करते हैं तो वो चीनी हार्ड भी हो जाता है,
जलने भी लगता है और जल्दी करेमलाइज भी नहीं होते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि कभी भी आप चीनी को करेमलाइज करें तो हल्का सा छिट्टा पानी का ज़रूर डाल दें। और ये देखिए कुछ ही देर में चीनी हमारे पिघलने लगे हैं, अब इनको हम चलाएंगे। पहले धीमा आँच करेंगे और धीमा आँच पर जैसे ही इसमें बबल आएंगे आँच को कर देंगे तेज़, और जैसे ही करेमलाइज में चीनी होंगे इनका कलर चेंज होगा, तो बस आँच को धीमा करेंगे और चलाते रहेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, ध्यान रखेंगे कि जले ना। और इसके बाद इनको हम ब्रेड वाले दूध में डाल देंगे। कभी भी चीनी को करमलाइज करें और जिस चीज़ में डालना रहें तो तुरंत करमलाइज करके डाल दें तो ठीक है, ज़रा से भी लेट होता है ठंडा हो जाता है तो उसी बर्तन में जम जाता है, जिस तरीके से अभी हमारा कुछ ठंडा होने पर जम गया है। तो सारा चीनी तो इसमें डालना है और मीठा भी अच्छा लाना है, उसके लिए फिर से हम पैन में थोड़ा सा पानी डालकर गर्म करके सारे करमलाइज चीनी को इसी में डाल देते हैं, और डालने के बाद अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। इससे इसका कलर भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। बहुत ही औसम हमारा ये लगता है रबड़ी। अगर आप चाहते हैं कि करमलाइज ना करें, इतना झंझट ना करें, तो आप सिर्फ चीनी डालकर सफ़ेद कलर में भी इस रबड़ी को बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। टेस्ट में काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि इसमें हम ब्रेड डालकर इस रबड़ी को बनाए हैं। और लास्ट में हम डाल देंगे बारीक कटे हुए मेवा, जो मेवा आप खाना पसंद करते हैं उनको आप डाल सकते हैं। और अच्छा टेस्ट के लिए इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर, या इलायची के बीज को हम अच्छे से कूच कर उसका पाउडर बना लेंगे और उसको डाल देंगे। और सब कुछ डालने के बाद यह हमारा टेस्टी रबड़ी तैयार हो गया है। मेवा आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो सिंपल सादा रबड़ी भी बना सकते हैं। और इस तरीके से यह बाउल हमारा रबड़ी से भर गया है, लच्छेदार रसेदार यह रबड़ी हमारा बनके तैयार हो गया है, जिसको बनाने में बहुत ही कम समय लगा है और कम दूध में हमारे ढेर सारा ये रबड़ी भी बनके रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें और इसको ट्राई भी करें, और ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा कि यह रबड़ी आपको पसंद आया कि नहीं और टेस्ट में कैसा लगा। हमें तो बहुत मस्त लगा, और हम जब भी रबड़ी बनाएंगे तो घंटों का मेहनत के जगह या मिनटों में मेहनत करके इसी तरीके से टेस्टी रबड़ी को बनाएंगे। तो चलिए आप भी ट्राई करें और ज़रूर बताएं।